और यहाँ भी हम लोग खुसा देख रहे हैं, और वाइट कलर का खुसा जो है ना वो पसंद आया, और ये इसका साइज नहीं मिला, उस साइज लेने भाई गया। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे माओ देखिए कहाँ बैठी हुई है और क्या कर रही है। माओ क्या है, आपने खाना खा लिया है? बताओ कौन आया है, कौन आया है भाई, कौन आया है पर कौन आया है? माओ अभी आलू वाला पराठा खा रहे थे। मैं तो नहीं खा रहा, वो लड़का खा रहा था, मेरा जो मुलाजिम है ना वो खा रहा था, मेरा तो बेटा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, बाहर कहाँ जा रहे हैं और वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि आज हम लोग बाहर कहाँ जा रहे हैं। तो चले चलते हैं। ये देखें अफ्तारी का टाइम है और रश देखें कितना ज़्यादा है कि हमारी अफ्तारी यहाँ भी हो जानी, और पीछे से 5 मिनट रह गए हैं। रश देखें बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और रास्ते में ही अफ्तारी होगी हमारी। तो हम लोग गाड़ी में ही पानी के साथ ही रोज़ा खोलेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लेबोरेटरी मार्केट, और वहाँ जाके आपको विज़िट करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं लेबोरेटरी मार्केट, तो यहाँ पे आपको, और आज आप लोगों को हम लोग लेबोरेटरी मार्केट की सारी विज़िट करवाएंगे, सब कुछ क्या कहाँ पे सेल लगी है और कहाँ पे नहीं लगी, क्या प्राइस हैं क्या नहीं है, आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के लिए इजी हम लोग करेंगे कि आप लोग जाके कहाँ बाय करें कहाँ ना करें, कौन सी मार्केट कौन सा बाज़ार आप लोगों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें सूटों की सेल लगी हुई थी, ये देखें 1500 में 2 सूट, और चिकनकारी का ये सूट है और देखें बहुत अच्छा था और इसमें हर कलर था, और ये भी देखें 1500 में 2 सूट हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे सूट थे ये। ये लॉन में है, ये भी 1500 में 2 हैं। ये देखें अभी भाई आपको हर सूट भी देखिए चेक करके दिखाएंगे कौन कौन सा कलर कौन कौन सा डिज़ाइन है। और यहाँ से हम लोगों ने भी बाय किए हैं, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त थी उसने भी काफ़ी सूट लिए हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसने पिंक कलर ब्लू कलर येलो कलर हर कलर में हमें सूट दिखाई, ये ब्लैक और ग्रे कलर था और ये मुझे बड़ा पसंद आया है। तो यहाँ पे हम लोगों, मैंने आप लोगों को ये विज़िट करवाना था, और क्या क्या रेट है किस किस बाज़ार का क्या क्या रेट है वो भी आप लोगों को दिखाना था। और काफ़ी अच्छी सेल थी यहाँ पे भी हर चीज़ की, ये देखें मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, मैं आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ जहाँ पे चूड़ियाँ मेहंदी, और यहाँ पे बच्चों के लगे हुए थे सूट और बच्चों के सूट लगे हुए थे, तो ये भी बहुत अच्छे सूट थे। और ये भी जो है ना हज़ार हज़ार रुपये में एक सूट था, ये हज़ार हज़ार रुपये में सूट है बच्चों के, बच्चों की यही कोई 10 साल 12 साल एज, 8 साल 9 साल की एज से लेके 12 से 15 साल तक की एज का। और यहाँ पे ये देखिए ये दोनों कलर, और यहाँ पे कुर्ते वगैरह और 2 पीस ज़्यादा लगे हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए लाहौर कैसे सजाया हुआ है इन लोगों ने रमज़ान के लिए। और ये हम लोग दाऊद कलेक्शन में आए हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी चीप जो है ना प्राइस है, ये देखें प्राइस। और ये भी चिकनकारी के सूट हैं और बहुत अच्छी हैं, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है इसमें और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे सूट हैं। इनकी प्राइस आपको मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है, ये आप खुद देख सकते हैं फिक्स प्राइस दाऊद कलेक्शन डिजिटल में। और यहाँ पे नेट का 7 रुपट्टा था लगा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलें आज किसी बाज़ार का टूर करते। कोई दिखाओ और दिखाओ कलर, और
यहाँ पे खौफनाक खबर ये थी जो आपने थंबनेल में देखा है, और ये वो खबर थी कि हमारा जो है ना, मेरा जो बैग था उसमें 50,000 रुपया था, वो मेरा बैग कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। पर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गई कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ क्या रेट है वहाँ की और क्या चीज़ है, तो मुझे वो मिला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे फिर मैंने तो सोचा कि चले अब मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो तो मैं बनाऊँगी, वो तो मैं बना के ही आपके लिए लेके आई हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना रश तो बहुत ज़्यादा। जो भी वहाँ पे जाए एहतियात करे अपने पर्स का, अपने पैसों का ख्याल रखे जिसने बाज़ार जाना है। तो हमारे साथ तो ये हो गया कल लेबॉरेटरी में, तो इस वजह से आप लोग अपना ध्यान रखें और जो है ना अपनी ध्यान से शॉपिंग करें। और यहाँ पे चलें, ये चूड़ियाँ ये देखें, ये चूड़ियाँ कितनी कलर की, कितनी अच्छे कलर लगे हुए हैं। और यहाँ पे ज़ायमा ने चूड़ियाँ ली हैं, वो हम लोगों ने ये देखें, मैंने आप लोगों को ये देखें, हर कलर में है और रेट भी इतने ज़्यादा नहीं है इसके। ये तो थी कि शायद 100। और यहाँ पर हम लोग खुसा देख रहे हैं, और वाइट कलर का खुसा जो है ना वो पसंद आया, और ये इसका साइज़ नहीं मिला, उस साइज़ लेने भाई के यहाँ पे ये साइज़ लेके भाई आए हैं, तो वो चेक करवाने लगे हैं। उन्होंने तो यहाँ पे ये साइज़ चेक करवा रहे हैं, एक साइज बढ़ा दे दूंगे, ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है, एक साइज बढ़ा दिखाई दे रहा, नहीं ये ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो खुल भी तो जाता है ना पहले। क्या प्राइस है इसकी? हसन भाई वहाँ से छावरी लेके आए आप, कौन सी ये वाली? यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको रश चेक करवाती हूँ, इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा रश है बाज़ारों में, अब कुछ दिन रह गए ईद आने में, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा था, और जिस वजह से हमारे साथ ये हादसा हो गया। और चलें आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो होना था, अब यहाँ पर हम लोग बैठे थे और थक के एक ढूंढ ढूंढ के हम लोग उनको बैठे थे, हमें तो कुछ भी ना मिला, फिर हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के पानी ही पिया था। तो और हम लोग अब यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने कुछ खा लिया था, उसके बाद हम लोग गए हैं लैस वगैरह लेने सूटों के लिए, मेरी दोस्त है उसने सूट के लिए लैस ली है। तो यहाँ पे ये इसने जो है ना, इसकी प्राइस थी 200 रुपये मीटर, ठीक है, और इसने ये भाई ने हमें लैस बोला तो 400 रुपये मीटर था, और दी 200 रुपये थी, और काफ़ी अच्छी उसने हमें रेट लगाया था। जिसने भी आके ये लैस लेनी हो तो ये आप यहाँ पे शॉप पे आ सकती हैं, आपको कार्ड मेंशन करती है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और फैंसी थी, और ये देखें बहुत प्यारी थी ये चीज़ें, ये देखें टसल वगैरह, लैसें वगैरह, और काफ़ी रेट अच्छा हमें भाई ने दिया है। और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये दुपट्टे मैचिंग और फैंसी सूट भी यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे रश अब कम हो गया, अभी रात का 1 बज गया ना, तो रश तो कम होना ही था। तो ये देखिए अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, और काफ़ी दूर हम लोगों ने अपनी ना राइड करवाई हुई थी क्रीम पे, तो वो वहाँ पे काफ़ी दूर खड़े थे, तो उस वजह से अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। भाई कह रहे थे कि आप वहाँ पे आ जाओ, तो हम लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी तक, तो गाड़ी में बैठते हैं। अब हम ना रास्ते में हम लोग टेलर के पास उतर गए, हमने अपने कपड़े स्टिच करवाने थे और टाइम नहीं है, तो वो हमें बोल रहे थे कि भाई आप दे जाओ आके। ये जो है ना मेरी दोस्त का जो है ना सूट है, और उसने टेलर को देना था, तो हमने बोला कि चलें रास्ते में देते चलते हैं। तो उनको हमें सारा समझा दिया कि इस तरह सिलाई करना है, ये लैस इस तरह लगानी है, उस तरह लगानी है। तो वो भाई कह रहे थे अच्छा ठीक है मैं आपको। यहाँ पे हम लोग यूरो स्टोर आए हैं, हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए थी, तो वो चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, तो लेके अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी इस टाइम भला क्या टाइम हो गया, रात के 3 बज गए हैं, और ये हम लोगों को मच्छर बहुत काटता है,
वो हम लोगों ने स्प्रे लिया और टिश्यू लिए थे और एक दो छोटी छोटी चीज़ें ली थी। तो उसके बाद बहुत ज़रूरी थी चीज़ें लेनी और सहरी का टाइम हो गया था और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और घर जा के हम लोगों ने सहरी बनानी है फिर नमाज़ पढ़ के हम जाएँगे आपके साथ फिर किसी मार्केट